पार्थ म्यूजिक प्रेजेंट्स। कोई खोलो, कहाँ है? अरे कहाँ है वो मेरी, कहाँ है मेरा असला? खड़को साले, तुम भी खड़को, जो ढूंढ रहा हूँ वो तो मिल नहीं रहा। तुम खड़को, पर ढूंढ के जरूर रहूंगा, आज ढूंढ के जरूर रहूंगा। कोई सवाल घर में घुस आया। अरे संतोष, अरे संतोष उठो। ये भी ना, तो यहाँ छुपा रखा है मेरा असला, इसकी माँ का जूता। अरे संतोष उठना। अरे घर में चोर 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 चोर, विजय मैंने चोर को पकड़ लिया, जल्दी आ। अरे ये तो मैं हूँ। तुम हो तो मुझे क्यों पकड़ रखा है, साइड में बैठो। तैने मुझे पकड़ा कि मैंने तुझे पकड़ा, चल छोड़ इसे। कहाँ कहाँ छुपा के रख देती है। अब मिलिए साली, अब पीऊंगा इसे पूरी जी भर के। अब हम में से कौन बात करता है? तेरी तो दिन में तो पिया, रात को भी चैन ना, नालायक। ओए बापू, मेरी मर्जी है मैं जो करूं। अरे रहन दो, बहुत रात हो चुकी है, इससे सुबह बात कर लो। आज मैं इसे सुधार कर रहूंगा। क्या करोगे, मारोगे? मारो। तेरा ये रोज रोज का ड्रामा होगा। क्या हुआ? सुने ना, तेरी तो कमी थी यहाँ। ओए हट, मारूंगा, क्यों लड़ रहा बाबू से? तेरे ही बताई होगी ना इन्हें। पापा जी, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ ना करा, मुझे तो पता भी नहीं है सब क्या हो रहा है। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या तेरी तो? कैसे बहू मार रहा, साले जान काट दूंगा, चल बाहर जा बेटा, तू अंदर सो आराम से, जा।
आई लव यू। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए हैं। माही, मैं सोया रहूं या जागा रहूं, हमेशा तुम्हारी धड़कनों में रहता हूं। अच्छा जी। हाँ, और मैं चाहता हूं कि हर पल तुम मेरे साथ रहो। तो ले चलो ना अपने साथ, अब तो पापा ने भी हमारी शादी को हाँ कर दिया। बस कुछ दिन और, फिर तो तुम्हें सदा के लिए ले जाऊंगा। तो इस बार क्या है? वो कुछ नहीं, थोड़ा घर को अच्छा करा लूं, तुम्हारे लायक बना लूं, और थोड़ा सा खेतों में भी काम है, और अभी नौकरी भी तो नहीं है मेरे पास कोई अच्छी। तो पापा बोल तो रहे हैं बिजनेस कराने के लिए। देख माई, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मेरी जड़ मेरे गांव में है, और मैं अपने गांव में ही फल फूल सकता हूँ और तुम्हें भी खुश रख सकता हूँ। तो कब आओगे? तो मैं जा ही कहाँ रहा हूँ। मतलब? मतलब बाबा, मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है। तुमसे मिलके ये पता लगा है कि जिंदगी क्या है, नहीं तो गुमनाम से इस राह पर अकेले चलते जा रहे थे। तुमसे मिले तो पता ये चला है जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। तुमसे मिली है हर खुशी, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। वरना हम जी रहे थे अंधेरों के शहर में, अंधेरों के शहर में। तू ही मेरा सनम है, तू ही मेरा जहां है। तुमसे तेरी ही आस थी, मेरी दीवानगी को बस तेरी प्यास थी। तू ही तू, हाँ तू मेरा जीवन सवार दे, अभी जाना सता तुझे रूहे उतार ले। अगर तुझे है पता तो मुझे भी बता, कैसे मैं जीऊं तेरे बिना। तू ही मेरा सनम है, तू ही मेरा जहां है। तुमसे ना मिलूं तो सांस आती नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब याद तेरी आती नहीं। तेरे बिन मैं तड़पूं जैसे बिन पानी मछली, तेरे संग मैं जीऊं जाए तुझ पे जा अपनी। हम दो है बदन और एक है जान, मैं तेरे बिन नहीं। तू ही मेरा सनम है, तू ही मेरा जहां है। ये सुनैना भी बर्तन कहाँ कहाँ रख देती है। सुनैना! हाँ जी।
क्या है वो? क्या है वो? सुने ना? हाँ जी। क्या है वो? अरे कहाँ रख दिया? सुने ना? हाँ जी। अरे वो कहाँ है मेरा? अरे कहाँ है वो? क्या जी? पूरा घर देख दिया, कहाँ है वो? अरे कहाँ है वो? जी मुझे कुछ नहीं पता। अरे यहीं तो रखा था। मेरी कोई गलती? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। अभी रुक, यहीं रुक। बता कहाँ है वो? मैं कहता हूँ बता कहाँ है वो? रुक, तू तो तू, तेरा बाप भी बताएगा। अरे बता कहाँ है वो? तू तो क्या, तेरा बाप भी बताएगा आज? बता। ये क्या है? देख ले माँ, बात नहीं मान रही है या? मैं क्या करूं? तुम दोनों मियां बीबी की बात है, तेरे को जो करना कर। बता कहाँ है मेरा पौआ और बर्तन क्यों रखा रास्ते में? जी मैं सच कह रही हूँ, ना तो मैंने आपको कोई पौआ छुपाया है, ना कोई बर्तन रखा। ओए क्या कर रहा तू? क्यों मार रहा बहू ऐसे? ये गलती करेगी तो पिटेगी। क्या गलती कर दी इसने? यह रोज मेरी शराब छुपा दे, वह रस्ते में भाषण रख दे, वह जब जब लिखू सब पता पड़ जावे। आज इसे सुधार के रहूंगा। तू खड़ी खड़ी देख रही है, इसके दो चार लगा नहीं सकती? मियां बीबी का मामला है, मैं बीच में क्यों बोलूं? तू किसी दिन इस घर का नाश लेके बैठेगी। क्यों रे, तुझे युगा जैसी बहू निभाई नहीं जाती? पापा मैं ही तो निभा रहा हूँ इसे। जब टल जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। पापा तुम बहुत देरवा कर रहे हो ना इसका। यू लक्ष्मी है घर की, इसे मारेगा तो नरक में जाएगा तू। अब तो बचा लिया इसे, रात को देखूंगा इसे। हट, चल माँ। चल बेटा चलियो, खड़ी हो तू, चल खड़ी हो। बेटा तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजो। जो बिना माँ बाप की बच्ची है बेहाला आया, मुझे कहा पता ही मेरा ही खून खराब निकलेगा। बेटा पिताजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। नहीं पिताजी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय। बेटा अब चाय ना चलेगी मुझ पे, तू जा आराम कर ले। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। देवर जी आप? हाँ मैं। क्या देख रहे हो शैतान? मैं देख रहा हूँ कि मेरी भाभी हर रंग में अप्सरा लगती है। बस बस मुझे इसी घर में रहने दो, अपनी आंखों का टेस्ट करवाओ। ना भाभी, तेरे जैसी भगवान बहुत कम बनावे। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए बेसन का हलवा बना के लाती हूँ। अच्छा ये बताओ साड़ी कैसी लगी? साड़ी तो आपके भाई के सामने पहन के जाऊंगी, जब वो बताएंगे कैसी लगी। पर मुझे तो कतई हूर लगेगी। आप तो जब देखो मस्करी करते रहते हो। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ ना, बस पैर में ना थोड़ी सी मोच आ गई थी। भैया ने तो ना कही कुछ? अरे नाना वो तो अब सुधर गए हैं। फिर ठीक है। अच्छा एक काम करो, मैं नहा धो लूं और तुम गरम गरम हलवा लाओ इतने। हाँ हाँ ठीक है जाओ। ठीक है।
भाई विजय, आज बाजी फिर तो हारेगा और दारू भी तू ही पिलाएगा। अबे पहले पैक तो खत्म कर ले, फिर चोसी आगे के बारे में। देखो भाई, आज तो मेरे पे पैसे नहीं है, फिर देखी जाओगी। भाई ये बात तने खेलने से पहले सोचनी चाहिए थी। और ये फ्री की दारू पीने से पहले जेब में रोकड़ा डाल के आता, फ्री की पिएगा क्या? तुम्हें रोज मैं ही तो पिलाऊं। अबे फिर रोज हारे भी तो तू ही। हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसी की तैसी में गए, 10 मिनट तुम यहीं रुको, अभी आ रहा हूं। यूं ताशों का खेल यूं ही जारी रखना, साली फ्री की तो मिलती है पीने को। अबे पहले शिकार को माल तो लाने दो, फिर खुश हो लेना। और शिकार जाएगा भी कहाँ। देवर जी जल्दी आ जाइए, हलवा और चाय तैयार है। ठीक है भाभी जी। ठीक है। अरे सुने ना। हाँ जी। सुने ना। हाँ जी। वो 200 रुपए दे निकाल के जरा। क्यों, तुमने कभी 200 रुपए दिए जो मैं तुम्हें दूँ? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मेरी खोपड़ी खराब मत कर, जल्दी 200 रुपए दे निकाल के। मेरे पास नहीं है 200 रुपए। देख 200 रुपए दे दे, मेरी इज्जत का सवाल है। देख रही है तुम्हारी इज्जत, कितनी इज्जत है? तेरे एक मार दिया ना कान पे, अभी दे देगी तू 200 रुपए। मेरे पे नहीं है कोई भी 200 रुपए। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी, कहाँ है मेरा डंडा? हलवा और चाय, कौन सा यार बड़ा रखा है घर में? ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत जबान चल रही है तेरी, कहाँ है मेरा डंडा अभी बताता हूँ तुझे। रुक तुझे बताता हूँ मैं। अब तो देगी या अब भी नहीं देगी बता। भैया यू तुम क्या कर रहे भाभी खेल? विजय तू कब आया? देख इसने क्या कर रखा है, अपने यार की ने चाय और हलवा बना रखा है। भैया तुम होश में तो हो, यू हलवा और चाय भाभी ने मेरे लिए बनाया बड़े प्यार से। तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो इसके लिए? माँ भैया भाभी को मार रहे, इन्हें रोकू भी ना? इन दोनों मियां बीबी का मामला है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? ओ माँ यू घर की इज्जत का मामला है, मैं अपनी भाभी पर जुर्म बिल्कुल नहीं होने दूँ। तू रोक के दिखा, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ू। भैया मैं अपने होते हुए अपनी भाभी पर जुर्म बिल्कुल नहीं होने दूँ। अजय तू बात नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में तू क्यों पड़ रहा है? माँ तू चुप रह, बता तुझे क्या चाहिए? 200 रुपए चाहिए मुझे, लिया तू दे दे। ले तू 200 रुपए रख, नहीं तो तू ना घर में रहनी गहन तारे रखा। जा तू कर ले इसकी सेवा, दोनों भाइयों में से एक को मुरवा के छोड़ देगी। भाभी तू खड़ी हो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आस्ते आस्ते से आराम से भाभी आराम से, यहां बैठो तुम। भाभी तू इतनी कमजोर क्यों है? तू इन लोगों की बात का जवाब क्यों ना देती है? देवर जी इस घर की इज्जत ही अब मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैं ये सारे जुल्म झेल रही हूँ। और तुम्हारी इज्जत? मेरी इज्जत से ज्यादा मेरे लिए इस घर की इज्जत है। ओ मेरी भाभी कितनी भोली है तू। पिताजी राम राम। राम राम। अरे अजय तू कदा आया बेटा? बस आज ही आया। कैसे परेशान सा लग रहा? पिताजी तुम एक बात बताओ, थारे होते हुए के हो रहा है घर में? क्या होगा? यू विजय भाई ना एक दिन घर का नाश करके मानेगा। तू परेशान ना हो,
अब के मैं ही इसका राह बांध दूंगा, बेफिक्र रह। और तुम पे कुछ ना होता हो तो मुझे बताओ। अरे हम कर लेंगे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू बेफिक्र पढ़ाई कर। मेरे पेपर अगले हफ्ते हैं, पर घर में शांति हो तभी तो जाऊं। तू परेशान मत हो। ठीक है, पर मैं आपका नौकरी करता हुआ आऊंगा। ये तो बढ़िया बात है, चार पैसा घर में आएंगे। और खेतों का क्या करना है? और अब के उस लीलू को मत दे दियो, कर रखा सारे खेतों का नाश, सारों में घास उमजी पड़ी है। अब के खेत एक फार्म वाले को दिए हैं, एडवांस 50,000 रुपया आ गए। अच्छा, एक साल के उस पे दिए। ठीक है, तेरे खाते में गिरवा दिए, जरूरत पड़े निकाल लीजो। और घर का खर्चा? इतने खेत तो राख रखे हैं, घर का खर्चा खूब आराम से चल जाएगा। बुढ़ा बैसक होगा हूँ, सारे कुनबा पाल सकूं। तो फिर मैं भी न जा रहा, मैं भी थारी गैल खेतों में काम करूँ। ओ मेरे बेटे, एक तुझ पे ही तो आस है और तू ही ऐसा कह रहा है। और के कहूँ, तू ही मेरा असल बेटा और तू ही हिम्मत हार रहा। अच्छा, तुम यह खेतों में काम करो और मैं पढ़ाई करूँ। अरे तू फिक्र मत कर, तू पढ़ाई लिखाई कर, हम कर लेंगे सब, जा तू अब आराम कर। बढ़िया भाई, तू बता। और सुना तो। अजय, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी थी। बता की बात है। यार तेरा भाई है ना, तेरी भाभी पे बहुत जुलम करा है वो, पता ना किस मिट्टी की बनी हुई है, इतना सहन कर रही है वो। यार मैं के करूँ, 2 महीने की पढ़ाई और बची है, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे वो कालू है ना, तू बिगाड़ रहा तेरे भाई को। अच्छा, दारू पीने को पैसे दे, जुआ खिलवा वे, और तोड़ चारों तरफ दहशत फैला रखी अपने नाम की। टिड्डे। हाँ भाई। क्या नाम है मेरा? भाई कालू। कालू नहीं, कालियो नाग कहो, कालियो नाग। एक शहर में रहने वाला 2 टके का आदमी मेरे आदमियों को मार भगाए, ये हरगिज नहीं हो सकता। आस पास के गांव गांव और शहर शहर में काले नाग के नाम को इतना खौफ फैला दो कि हर छोटे बड़े आदमी के दिल में इस नाम का खौफ बना रहे। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। गीतामल, तेरा नामो निशान मिटा देगा ये कालिया नाग। अच्छा रे, उसे तो मैं देख लूंगा, पर तू एक काम करिए, यहाँ की जितनी भी खबर है ना मुझे अपडेट करता रहिए तू। अरे यार मैं तुझे कैसे अपडेट करूँगा, मेरे पास तो फोन वोन भी नहीं है, तू तो शहर चला जाएगा। तू चिंता मत करे, मैं तुझे एक फोन दे के जाऊंगा, ठीक है ना? पर तू मुझे सब चीज अपडेट करता रहिए। चल तुझे आज गोलगप्पे खिलाता हूँ। ओए, यू ट्रैक्टर पीछे ले। अरे अपना हटा। अरे मुझे पीछे हटने की आदत ना, सुद्धा चढ़ाने की आदत है। वाजी वाह, मतलब बड़ा भाई तो हमसे दारू मांग मांग के पीवे और तू छोटा हमें बदमाशी दिखा रहा। अरे बदमाशी ना दिखा रहा, मैं तुझे समझा रहा हूँ। बॉस यू घना बोल रहा है, कहो तो फैलाऊं इसे। अरे तू रहन नहीं दे, आ आज तू नीचे आ, आज तेरी हैंकड़ी देख। आ तो आ।
लायू खड़ा शेर तेरे सामने, बता के करना है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अरे क्या कर रहे हो? प्रधान जी, शुरुआत इसने करी थी, आज पूरी पिक्चर मैं दिखाऊंगा इसे। बेटे अपनी फिल्म तो खुद लिखे। अरे जा। आवे कालू। छोड़ दो प्रधान जी। इधर आ। अरे कालू ये क्या कर रहा है तू? गांव का माहौल खराब मत कर। और दूसरी बात है, चुनाव सर पे है, बिल्कुल मामला खराब होता जा रहा है। देखो प्रधान जी, झगड़ा मैं भी नहीं चाहता, वो बीच में आया है और उसे एक बात और समझा दियो कि यू बात यहीं खत्म नहीं होने की है। तो हम समझा देंगे, मगर तू तसल्ली रख। जा भाई, निकाल अपना ट्रैक्टर। रब का आवे ना तो कुछ खा पी गई है, जब करेंगे तेरा हिसाब। अरे तू जहाँ चाहे वहाँ हिसाब कर लिए, चल निकल यहाँ से। नैना। हाँ हाँ जी। वो कल मैं दो पौवे लाया था, चल एक तो ठीक है मैंने पी लिया, मेरा दूसरा पौवा कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, कोई भी पौवा मैंने नहीं देखा। अच्छा, तेरा ये रोज रोज का ड्रामा होगा, तुझे नहीं पता? भैया यू थारा के है रोज रोज का ड्रामा, ना सुबह देखो ना शाम देखो, ना दिन देखो ना रात देखो, ना सोते ना सोन देते तुम। अच्छा अब तू मुझे रोज रोज समझाओगा? अजय रोज रोज बीच में आने की तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू हमारे आपस का मामला। हाँ तू बता। भैया तुम मुझसे बात करो आज। तू जाके सो क्यों नहीं जाता, क्यों अपनी नींद खराब कर रहा है? माँ सब तेरा करा दे रहा, अगर तू समझाती ना तो ये दिन न देखने पड़ते आज। अजय हाँ, इसका रोज कट रहा माँ, एक लाठी ला इसके हाथ पांव तोड़ेंगे दोनों मिलके आज। अच्छा तुम दोनों मिलके मेरे बेटे को मारोगे? चली जा लंका, नहीं आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। चल बेटा चल, आज सिर बाप गुस्से में है, निकल ले। बेटा जाओ तुम आराम करो, रात बहुत हो रही है, जाओ। भाई अजय, इसने तो जीना दुश्वार कर दिया इस घर में, इसका कुछ ना कुछ इलाज बांधना पड़ेगा, चल। राम राम की दबाई। हाँ ठीक है ठीक है। वही सारी लौंडा है ना जो हमारे बॉस को मारने के लिए बोल रहा है? तुम कौन हो भाई? टिड्डा। मेरा नाम टिड्डा है। फिर जिस खेत में घुस जाऊं ना उस खेत की फसल बर्बाद कर देता हूं। पर यू बता, तू कौन से खेत की फसल है? इस पे एक भी नहीं झिले। क्या हुआ? तू वही सहरी लौंडा है ना जो हमारे बॉस को मारने के लिए बात कर रहा था? तू हमसे लड़। यार यू मुझे जरूर जेल भिजवाएगा। जाओ यार तुम अपने घर जाओ, जाओ। अरे डर गया क्या? अरे भैया तू एक काम कर, अपने घर जा यार, रोटी पानी खा तू, क्यों मेरे गले गल रहा? अरे मार ना। अरे मुझे तुम एक काम करो, जी ये दोनों हमसे तो लड़ा नहीं जा रहा, बॉस को मारेगा, बॉस से लड़ेगा ये। देवर जी लो खाना खा लो। लाओ खाना। भाभी। हाँ। तेरा चोट लग रही है? ना पैर में दर्द है। भाभी तेरा खून निकल रहे हैं और तुझे पता भी ना? अरे कुछ ना देवर जी, वो खाना बनाते हुए ना चिमटा लग गया था। अरे भाभी चिमटे से जले हैं, खून ना निकलते, तू सच बता
जो रात भैया ने मार मारी ये उसी की चोट है ना? पता ना। तू कितने और कष्ट सहेगी मेरी भाभी, मुझे तो यूं ही समझ में नहीं आता तू किस मिट्टी की बनी हुई है। यूं छोड़ो, यूं तो ठीक हो जावेगी, आप बैठ के रोटी खाओ। अच्छा, तेरे चोट लग रही है और मैं खाना खाऊं? तुम एक काम करो, यहाँ बैठो। पता ना कितने कष्ट सहेगी तू। और चलो खड़ी हो। देवर जी, तुम कितने अच्छे हो ना, काश वो भी होते। चलो तुम टेंशन मत लो, आओ। अरे विजय। हाँ भाई। दारू मंगवा ले यार। यार देख भाई, आज तो मेरे पे पैसे भी ना है और वैसे भी छोटा भाई अजय आया हुआ है घर में, लगता है घर आज तो सूख के जाना पड़ेगा। देख भाई, पीनी है तो बात कर। देख यार, पीनी तो है, पर कल परसों में अजय चला जावेगा तो थारी सारी कसर पूरी कर दूंगा, आज तब मंगा लो। अच्छा, पिएगा या घर भी लेके जाएगा? यार घर ले जान को मिल जाए तो मैं तुझे डबल पैसे दूंगा। अरे यार, तू अपना यार है और तेरे से क्या डबल लेना। बस तू यू अंगूठी निकाल कर मुझे देते, दारू मैं मंगाऊंगा। यार यू मेरी शादी की अंगूठी है। अब शादी तो हो गई ना, या दोबारा करेगा दूसरी? यहाँ यार यू एक ही ना झिल रही, तू दूसरी की बात कर रहा है। अरे अब तुझे दारू चाहिए या नहीं? यार दारू तो चाहिए। अरे यार, मेरी शादी होते ही अपनी अंगूठी वापस ले लिए, अब मैं तेरे से हमेशा के लिए तो मांग नहीं रहा, हो सके इस बहाने हमारा भी शगुन सा हो जा। इंगे मेरी शादी हुई, उंगे अंगूठी तेरी। देख ले यार, पक्की बात है? बचपन से साथ बैठ रहे हैं, अभी कच्चा पक्का कर रहा मेरा यार। ले तो फिर, तेने बड़ी बात करी, ले तो फिर मंगाओ दारू। हाँ जी, अंगूठी सही हाथ में पहुंची है। टिड्डे जी भाई, लिया भाई के लिए दारू। एक क्या, अभी चार ले आऊंगा। ये अंगूठी तेरी नहीं, मेरी उंगली में होनी थी। असली छुट्टी तो आज मनेगी भाई, भाभी के साथ। भाभी लो, तुम आज मेरे हाथ की चाय पियो। तुम चाय लाए, वो भी मेरे लिए? क्यों, मैं नहीं ला सकता। अरे देवर जी, आपके हाथ का तो मैं जहर भी पी लूं। ओहो, मैं तुझे जहर दूंगा? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे तू मेरी गैल मजाक वजाक तो करे मत, तू आ पहले चाय पी। पहले कपड़े तो धो लूं। अरे सारे काम को मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, आज चाय पी। लो चाय पियो तुम। जब यू मशीन रखी है तो कपड़े तू वहाँ क्यों धो रही? मशीन में जो धो लेती, मशीन ना रखी है यू। अरे मशीन खराब होगी देवर जी। अच्छा, पर एक बात सुन, जब तक मैं सारे लत्ते ना धो लूँ ना, यू चाय पीती रही है। तुम आज ऐसे कैसे बोल रहे मेरे से? बोल रहा हूँ यू ही भतेरा। मुझे लगता है आज तुम पिटवाओगे मुझे। पिटवाने की बात नहीं है,
क्यों तेरे देवर का हुक्म है और जो तू आज मानेगी। देवर जी इतना प्यार मत दो वरना मैं रो पड़ूंगी। अरे भाभी मेरी वजह से तेरी आंख में आंसू ये कभी नहीं हो सकता। आज मैं तेरे सारे लत्ते धो दूंगा चाहे तू मुझे मार लिए। अगर सचमुच मार दूं तो? भाभी मारे तो दिल पे मारिए पता तो चले किसने मारा। देवर जी तुम ना सुधरोगे बिल्कुल। कितना ख्याल रखते हैं देवर जी भी। टिड्डा टिड्डा नाम है मेरा। जिस खेत में घुस जाता हूँ उस खेत की फसल बर्बाद कर देता हूँ। तू बता तू किस खेत का टिड्डा है। तू मेरी मदद करने आया है उस शहरी लौंडे को मारने के लिए। जा जब बुलाऊं तब आना। तब तक के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे भाभी तो क्यों दुखी हो रही है ला मैं करूं। देवर जी आप पढ़ाई कर लो ये पशुओं का चारा है आपसे ना गिरेगा। अरे मैं भी तो किसान का बेटा हूँ तू मुझे एक बार मौका दे के देख ला मैं करवाऊं। लो जी तुम भी ट्राई कर लो। ये क्या हो रहा है यार गिर रहा हूँ और क्या हो रहा है। यूं थोड़ी ना गिरा करे फिर? ऐसे ये देखो आप तो भी पढ़ाई करो आपकी बस की काम नहीं है ये बहुत मेहनत का काम होवे है। भाभी तेरे से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ चलो सिखाऊं मैं सिखाऊंगी चलो। हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगी ये बाल्टी यहीं रख दो आ जाओ। ये देखो मुंजी देवर जी और इसको ऐसे झाड़ते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है ये लो झाड़ो आप मैं दूसरी पुली ले आऊं इतने ठीक है। तू रुबाई रुबाई।
तुम हो मेरी छाया, अपना तू है जग है पराया, तुमने हमको है सिखाया। वफाई वफाई मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और जिसका पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं। अच्छा अरे अरे, अरे। भाभी क्या हुआ ये? पहले तो ये बताओ किसका हाथ सोच के पकड़ रखा था, कौन है वो? अरे भाभी वो ही तो है जिसके बारे में मैं बता रहा था तुम्हें। अच्छा जी, तो उन्हें जल्दी से घर पे ले आओ, दोनों बहनें आराम से रहेंगी। भाभी इरादा तो यू ही है। तो चलो घर पे चल के खाना बनाओ। यू किस बात की सजा? मेरा हाथ पकड़ने की। यार अजय एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कालू भाभी के पीछे क्यों पड़ा रहे वे? अरे कुछ ना यार, मेरी भाभी की शादी ना पहले कालू की गैल ही होनी थी, और वो कालू की गैल तो हुई नहीं, मेरे भाई से हुई है ना, तो इस बात से वो चिड़ा बैठा है। अच्छा ये बात है। तो मैं कह रहा हूँ अंगूठी कहीं गिर गई होगी तो तुम मेरी दारू पर सवाल क्यों उठा रही है? मुझे तो यूं लगा आपने दारू के चक्कर में कहीं दे दी होगी। रोज ऐसे ही पीऊंगा, तू रोक के दिखा। अरे क्यों बहस कर रहा तू इसके साथ? हरी जब ये बोल रहा है तेरी अंगूठी नहीं ली तो नहीं ली होगी। बाजी वो सोने की अंगूठी थी, ब्याह वाली तो तू भी है, ले तुझे काटी दूं। भैया माँ तू जो क्या करवा रही है? भैया भाभी को पीट रहे हैं और तू खड़ी खड़ी देख रही है, छुटा नहीं सकती। मैं क्या करूँ, इनका रोज रोज का ड्रामा है, मैं परेशान हो गई। इतना जुर्म इतना अत्याचार, माँ भगवान से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। भैया मुझे आज तुमसे तो बात करनी है। तू भी आ गया हिजले, जाओ यहाँ से। बढ़ाया है माती। भाभी तू भी कौन सी मिट्टी की बनी है, पता नहीं क्यों इनके जुर्म सह रहे तू। भाभी इतना जुर्म क्यों सहती हो तुम? देवर जी मैंने भी इस घर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया तो इस घर की क्या मर्यादा रह जाएगी? ओ मेरी भाभी तू कितनी महान है, कितनी महान है तू। लगता है माई को घर में लाना ही पड़ेगा, तभी मेरी भाभी की भी जिंदगी सुधर सकती है और भैया भी डर के रहेंगे। माही यस मैं आ रहा हूं। हे राम
आज फिर दिन निकल गया, अभी तक नाश्ता भी ना बना। राम जाने आज क्या खड़ा होगा। भाभी चाय नाश्ता तैयार है, आज हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। नाश्ता? हाँ। अभी तो मेरे घर का सारा काम करने को पड़ा है। और देवर जी आज कैसे नाश्ता ले आए आप? तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, सब्जी बना दी है, बस रोटी बनानी बाकी है। देवर जी ये क्या मजाक है? यू मजाक ना है, और तू हमें हल्के में ले रही, यू तो मेरा लाड है। देवर जी इतने लाड ना लड़ाओ। भाभी अगर मेरा बस चलता ना तुझे बहुत लाड लड़ाता, पर तुझसे एक बात पूछू तो बताएगी? हाँ पूछो। पहले चाय और बिस्कुट खाओ। चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है देवर जी, क्या बात है। अच्छा तू एक बात बता, भैया तुम्हें इतने तंग रखे हैं, तू दो चार दिन अपने घर रही है ना, इतने में भैया को भी सुधार दूंगा। भाभी क्या हुआ, पानी लाऊं के? पानी ना, मुझे जहर ला दो। भाभी तुम ये क्या कह रही हो? देवर जी अगर मेरा कोई परिवार होता तो किसी के पास जाती ना। आपके पिताजी ने तो मुझे एक शराबी के पल्ले बांध दिया, वो भी मुझे मरने के लिए। मुझे तो मेरे मामा ने पाला था और अब वो भी नहीं रहे। देवर जी मैं इस घर में मर तो सकती हूँ पर कहीं जा नहीं सकती। अरे भाभी तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूँ ना तेरा, तू टेंशन मत ले, और आज से ना हम दोनों मिलके काम करेंगे साथ में। ले तू बिस्कुट खा, ले तू चाय पी, तू टेंशन ना ले बिल्कुल भी। आगे बात समझ में? हाँ भाई आगी। मुझे मेरी भाभी की सारी खबर मिलती रहनी चाहिए, घर की भी और बाहर की भी। तू चिंता मत कर, हम अपने आप कर लेंगे, तू बस अपनी नौकरी का ध्यान रख, हम तुझे सारी बात बताते रहेंगे। ठीक है चल मैं तो निकल रहा हूँ आज सांझ को। ठीक है ध्यान रखियो अपना। ठीक है भाई। ठीक है ना, फोन कर दियो। पापा जी आज हमारा इंटरव्यू है और हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दो। बेटा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है, हमेशा तरक्की करो। लो लो पैसे रख लो। अंकल जी ये क्या कर रहे हो, पैसे हैं मेरे पास? पैसे इसके लिए दे रहा हूँ, पता नहीं कब कहाँ क्या मांग बैठे। मैं माही के लिए दे रहा हूँ, खर्च हो जाए ठीक है, ना हो तो वापस कर देना। ठीक है अंकल जी। ठीक है अंकल जी हम चलते हैं। अरे रुको, अरे बच्चे इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं, इनके लिए कुछ मीठा ईठा लेके आओ। खुश रहो, कामयाब होकर लौटो, खुश रहो खुश रहो। अच्छा अंकल जी नमस्ते। ठीक है। अब यू बची है थोड़ी सी, इसे पीऊंगा मैं। देख भाई कालू। ए, कालू नहीं, कालो नहीं, कालो नोग। हाँ हाँ वो ही ना भाई, अभी तो मेरा गला भी गीला नहीं हुआ, एक पैक और दे देना भाई। एक भाई प्लीज। अच्छा मौका है। विजय तेरी बीवी जा रही है। अबे जान दे साली को, इसे तो मैं घर भी जाके देख लूंगा, मैं इसकी परवाह ना करता हूँ, तू बस एक पैक दे देना भाई।
तुझे पैक चाहिए ना? हाँ। तू कहे तो भाभी से मिल लो। अबे देख यार तू, मुझे दारू से मतलब है, मुझे दारू चाहिए। चल तू पैक बना, दो मिनट में अभी आ। अरे भाभी, कदी हमें भी देख लिया कर। तुझे देखे है मेरी जूती? उस शराबी ने तो तुझे कभी खुश भी ना किया होगा भाभी। अरे एक मौका तो दे। तू जावे या ना जावे, या पिटके जावेगा। अरे भाभी, तेरी तो पिटाई भी बढ़िया लगेगी भाभी, बस तू एक बार मेरी बाह में। अरे भाभी, एक बार प्यार से बात तो कर ले भाभी। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा भाभी। तेरा वो हाल करूंगा तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा, याद रखिए भाभी। अजय को बताना पड़ेगा।